ये कहानी है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से महज 113 किलोमीटर दूर स्थित शहर सिवनी मालवा की, जहाँ उगते हुए सूरज की रोशनी में रोज की तरह दौड़ती जिंदगियाँ, हंसते हुए चेहरे, खिलखिलाती खुशियाँ, और फिर शुरू होता है दूसरा पहर, जहाँ चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। और इसी अंधेरे में छिपी हुई है कुछ ऐसी घटनाएं जो कि सुनने में तो काल्पनिक लगती है, परंतु इनका वास्तविक जीवन से बहुत गहरा संबंध होता है। आज की कहानी ऐसी ही सत्य घटना पर आधारित है। किरण भाई, क्या चल रहा है तुम लोग का? बस पढ़ाई चल रही है यार। अच्छा, तैयारी कैसी चल रही है तुम लोग की? बस तैयारियाँ चल रही है राजेश भाई, लगे हैं वही 4 साल से अभी तक। इतनी हासिल आता है तुम तो, सरकारी नौकरी लग गई तुम्हारी तो। और कैसी चल रही है नौकरी? तो मेरी भी सर्विस चल रही है, ऊपर वाले की कृपा से चल रहा है ठीक ठाक। सब बहुत परेशान है यार राजेश भाई, और 4 साल हो गए वही की वही चल रहा है राजेश भाई। आपकी तो जॉब लग गई, किताब उठाते चले जाते हैं, तैयारियाँ करे जा रहे हैं, पूरी बुक हट डाली है। किरण भाई और मनीष भाई, तुम लोग भी सक्सेस हो गए, तुम भी सरकारी नौकरी मिलेगी। ठीक है, अब मैं निकलता हूँ। ठीक है राजेश भाई, आपकी दुआ रही तो जरूर मिलना चाहिए, लगे तो हैं हम उस चीज में। और राजेश भाई, ये अंगूठिया, बहुत सारी अंगूठिया पहन रखी है, क्या कारण है भैया? बस ऊपर वाले का आशीर्वाद है यार, अगर ऐसा ही आशीर्वाद बना रहा तो बहुत ही जल्द मैं पुलिस का बड़ा अफसर बनूंगा। हाँ भाई, एक मसाले का पान बना। हाँ बना देता हूँ। क्या बात है सर, चेहरा थोड़ा उदास उदास लग रहा है। हाँ यार भाई, बस यूँ ही यार। कोई दिक्कत?
नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, तो भाई तुम अपने बता सकते हो। हाँ कोई दिक्कत आएगी तो बता दूंगा मैं ना? जी जी बन गया मसाला। हाँ भाई बन गया। बस बढ़िया हूँ यार। हाँ ठीक है बना देता हूँ। क्या बात है, कल भी आया था मोर दास्ता था। नहीं यार कोई दिक्कत नहीं, मोर दास्ता है। नहीं कोई परेशानी नहीं है। लीजिए ये कल अमित भाई। यार मैं बहुत दिनों से सोच रहा था यार कि मैं तुम्हें बताऊं कि नहीं बताऊं। बताओ ना, कोई दिक्कत है भाई? ऐसे कुछ दिनों से मेरे घर में चोरियां हो रही हैं। पता नहीं चल रहा है कि किसने ले गया है। तो मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मैं परेशान हूँ बहुत। काम कर। हाँ। तो पैसे तो मिल जाएंगे ना वापस? पैसे मिल जाएंगे। हाँ ठीक है। लगता है बाबा किसी साधारण मनुष्य ने हमारे स्थान पर प्रवेश किया है। बाबा ये आवाज ही कैसी आ रही बाबा? लगता है मेरे को गले जगह पे आ गया बाबा। राजू बाबा बाबा आओ बेटा। राजू पान वाले आखिर तुम यहाँ आ ही गए। आप मेरा नाम कैसे जानते हो बाबा? बाबा और तू किस काम के लिए आया है वो भी मैं जानता हूँ। हाँ, दो माह से तेरे घर चोरियाँ होती है, कभी सोना गायब होता है कभी पैसे गायब होते हैं। बोल सच है कि नहीं? जी बाबा बिल्कुल सच है बाबा। मैं बहुत परेशान हूँ बाबा, मैं कुछ करूँ बाबा? तेरा भी कुछ करना पड़ेगा। जी बाबा। चलो हमारे घर चलते हैं। हाँ बाबा चलो। वहीं सारी प्रक्रिया होगी। हाँ बाबा मैंने जो भी कमाई वहीं से पता चलेगा क्या हो रहा है। हाँ बाबा मेरे पूरे जीवन भर की कमाई बाबा मेरे को वापिस चाहिए बाबा। चलो चलो घर चलो बाबा। हाँ चाहिए। हाँ बाबा चलो 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 बाबा।
बच्चे तुम आ गए हो? चलो क्रिया शुरू करते हैं। जी बाबा। बाबा मैं अपनी पत्नी को लेके आता हूँ बाबा घर से। नहीं। हाँ बाबा। किसी पराई स्त्री की परछाई हमारे ऊपर लगती है तो हमारी शक्तियाँ छीन हो जाती है। हाँ बाबा। उसे अपने कमरे में ही रहने दो। जी बाबा जी। मनीष इस बालक को बताओ पिछले बार इसके साथ क्या हुआ था। जी बाबा। क्यों बालक? हाँ बाबा। तुम्हारे यहाँ एक महापूर्व हाँ? रात्रि 1:45 के आसपास चोरी हुई थी। हाँ बाबा बिल्कुल बिल्कुल बाबा बाबा बिल्कुल सही है। हाँ हुई थी। जेवर चोरी हुए थे? हाँ बाबा हाँ बिल्कुल। ठीक है सबका समाधान करते हैं। हाँ बाबा जल्दी करो बाबा मैं बहुत परेशान हूँ बाबा। बाबा बालक। हाँ बाबा। जिस जगह से जेवर चोरी हुए थे वो वहीं पर ही मिलेंगे। अपने घर की पूर्व दिशा। जी बाबा। जो जेवर छुपाए गए थे हाँ? वो वहीं मिलेंगे। जी बाबा। संपर्क करिए अपनी पत्नी से। जी बाबा। हेलो राधिका, बाबा ने बताया है पूर्व दिशा में जहाँ अपन ने जो जेवर रखे थे ना वो वहीं पे हैं। जरा देखो एक बार, जल्दी देखो जल्दी। मिल गए बाबा। बाबा आपको कुछ दक्षिणा वगैरह चाहिए? बाबा दक्षिणा नहीं लेते। तो बाबा कुछ करना है अगर तुझे। जी बाबा। तो ये जो सामग्री रखी है यहाँ पे चढ़ा दे, जो भी तेरे मन की इच्छा है। जी बाबा जी। तब भला होगा। जी बाबा। चलता हूँ बाबा, रक्षा करना बाबा। चलता हूँ। जय बाबा जी। ये बाबा जी। बाबा वापस आ गए? हाँ बाबा। बाबा जो मेरे 10,000 रुपये थे बाबा वो भी नहीं मिल रहा बाबा, कुछ मदद करो बाबा। बालक ज़्यादा लालच मत कर बाबा, और जितनी विधि जल्दी संपन्न होगी। जी चलिए आगे चलिए बाबा। बाबा जो मेरे 10,000 रुपये बाबा गायब हुए थे वो और मिल जाते तो आपकी बहुत मेहरबानी। अलग भाई इसलिए तो यही समय है नीति विधि करने का। नीति विधि की तैयारियां करो बाबा। मैंने नीति विधि की तैयारी कर रखी है। हाँ बाबा। 10,000 रुपये तुम्हारे गुम हुए थे। जी बाबा। फोन लगाइए। जी बाबा। पत्नी से संपर्क। हाँ ठीक है बाबा मिल गए। बाबा आपका बहुत धन्यवाद बाबा। ये बाबा की बालक। हाँ बाबा। मेरी आवाज हो रहा है तुम्हारे घर में माया है। बाबा कहो क्या कह रहे हो बाबा? माया विश्वास नहीं? नहीं बाबा। दरवाजे की चौखट पर। जी बाबा। दाएं तरफ 4 कदम। जी बाबा। और वहीं से बाएं तरफ पर देखो माया का अंश मिलेगा। बाबा बाबा गुरुजी कहाँ? बाबा बालक गुरुजी तो सिद्धियां प्राप्त करने गए हैं हिमालय। बाबा जो आपने बोला था वो सही है बाबा, मेरे घर में माया है बाबा। मुझे घर में सोने की चेन मिले बाबा, जो आपने बताया था वो सही हुआ बाबा। बता मुझे।
बालक। हाँ बाबा। ये तो वही चमत्कारी माया का अंश है। जी बाबा। तेरे घर में माया तो है। हाँ बाबा, मुझे चाहिए बाबा, कुछ भी हो जाए उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ बाबा। अलग एक बात है ये बहुत शक्तिशाली माया है अलग बाबा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ बाबा, मुझे माया चाहिए बाबा। इसके लिए तुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ भी कर सकता हूँ बाबा, मैं कुछ भी। भूत बालक बाबा, तू क्या जानता है, तू क्या कह रहा है? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ बाबा। कुछ तरीका नहीं है बाबा? तरीका कुछ नहीं है, तरीका यही है। सोच ले, सोच ले, ये समय निकल गया तो कभी माया नहीं मिल पाएगी तुझे। ठीक है बाबा, मगर मुझे माया चाहिए बाबा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ बाबा माया के लिए। तेरा कार्य हो जाएगा। जय बाबा। मुझे माया का अंश मिला था बाबा, वो कहाँ है मुझे दिखा। हाँ बाबा है मेरे पास, रुको बाबा, वो तो है नहीं बाबा, नहीं बाबा। बालक बाबा, तुम नादान है तो वो अंश वहीं चले गया है उसी माया के पास। बहुत शक्तिशाली है वो माया तो, और तुझे बता दूँ माया कहाँ है, यही है वो माया। रात तू देख ले, वो अंश वहीं मिलेगा। जी बाबा। अब पूरी प्रक्रिया करना पड़ेगा अपने को, हर क्रिया को अंजाम देना पड़ेगा। हाँ बाबा बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। और आज तू धनाढ्य हो जाएगा। जी बाबा। हाँ जी बाबा। हर दुख से परे हो जाएगा तू। जी बाबा। आज रात्रि में प्रवेश करूंगा मैं 12 बजे। जी गुरुजी, 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 प्रणाम। आपकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए क्षमा चाहता हूँ। गुरुजी, जिस पल का हमें बरसों से इंतजार था वो पल आ चुका है। आज रात्रि 12 बजे वो कार्य को पूर्ण करने से हमें असीम प्रियों की प्राप्ति होगी। इस कार्य करने के लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है गुरुजी। आपको आना ही होगा, आना ही होगा गुरुजी। Ha 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 ha
जयंत सर, यस सर, ये सर मुझे पता चला, जी हाँ मेरी टीम भेजी सर, यू डोंट वरी सर, सब मैं खुद जा रहा हूँ सर, यस सर मैं अभी निकल रहा हूँ सर, नहीं नहीं सर आपको आने कोई जरूरत नहीं है। छोटू ये एडमिशन का हर कौन सा मेरा ये वाला अच्छा अभी ये बोले क्या चाहिए क्या आप ही कह रहे हो अनिल सेन जी मेरा ही नाम है अनिल क्या आप ही ने कोई पुलिस को कॉल किया था जी मैंने किया था फोन आपको बताइए क्या प्रॉब्लम सर वो क्या है हमारे पड़ोस में एक मकान है वहाँ पे कल रात्रि से आज दिन के शाम के 4 बज गए हैं पर अभी तक वो गेट नहीं खुला है तो अच्छा? मैंने की पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए ये गेट क्यों नहीं खुला है क्या मुझे घर बता सकते हैं जी सर मैं आपको उनके घर प्लीज आइए जी जरूर रात भर से भी गेट बंद है सर और अभी आज दिन के 4 बज गए शाम के फिर हमने सोचा कि पुलिस विभाग को खबर करना चाहिए तो मतलब गेट अंदर से लगा है ताला तो लगा नहीं यहाँ पर जी सर वो ऐसे ही आपने आपने खटखटाया जी सर खटखटाया था पर वो कोई खोला नहीं तो हमने की पुलिस में सूचना की है बिल्कुल अच्छा किया आपने किसी ने खोला नहीं चलिए कोई बात नहीं मैं कॉल करता हूँ हेलो जैन सर हाँ सर रेपल मर्डर केस है सर हाँ सर बात हुई थाना प्रभारी जी से हाँ सर संदीप मालवी जी से हाँ सर ओके सर ठीक है सर जाता हूँ सर आप आदेश कीजिए सर हाँ सर रेडी हूँ सर मैं अपनी टीम के साथ ओके सर ओके जय हिंद सर घूम रहे थे कोई यहाँ पे अच्छा हाँ अब उसके बारे में जानकारी नहीं है ज्यादा मुझे तो क्या आपने उस तांत्रिक को पहले भी कभी देखा है पहले कभी देखा दो एक बार देखा बस इसके बाद उसके पहले कभी देखा है क्या यहाँ पर जो हुआ है आपको पता है वो क्या काम करते थे वो एक भैया की तो पान की दुकान थी और दीदी घर पर महिलाएं थी वो उनकी चक्की चलाती थी तो आपने जो बताया तो सीधे लोग है ना कोई दिक्कत तो नहीं है सीधे लोग थे भैया कोई का किसी मैटर नहीं था किसी प्रकार का अच्छा क्यों हो गया क्या हुआ कुछ किसी को समझ नहीं आया पूरे मोहल्ले में यही चर्चा है
हाँ भाई भाई, मुझे भी इसी तरह कॉल किया था। वैसे ये केस बहुत ज़्यादा पेचीदा हो गया, तो मुझे आपकी ज़रूरत थी। थैंक यू, आप आ रहे हैं, अब मिलकर सॉल्व करते हैं। बताइए जानकारी में क्या मिला आपको? देखिए, मैंने आप पता करा है, सुबह से शाम तक पूरा दवाई लगा हुआ है। मैंने इनसे बताया है, आगे भी पूछा था, मैंने साइड में पूछा मैंने। अब आप यदि कुछ करना चाहते हैं तो और पूछ सकते हैं अपने थ्रो पे। ये क्या पड़ोस में? हाँ, ये बता रहे हैं कि सुबह से मतलब दरवाज़ा खुला नहीं है और शाम हो गई, अब 5 बज गए। ये लोग सब घबरा रहे हैं, ये लोग डर रहे हैं कि क्या माहौल हो गया यहाँ पर। क्या जानते हो उनके बारे में? कुछ नहीं, अपन ये जानते हैं कि अच्छे वाले लोग हैं। सुबह से दरवाज़ा नहीं खुला है, ये लोग सुबह 6 बजे उठ जाते हैं। आज दिन भर हो गया, हमें सोचा हो सकता है कि यार अब खोलेंगे, सो रहे होंगे, 10 बजे तक खोलते, लेकिन शाम ही हो गई, अभी तक नहीं खोला उन्होंने। पूछा किसी लोग इसलिए? बहुत पड़ोस वाले भैया थे। आपका क्या नाम जी? सर अनिल सर, मैं मैंने ही सोचना देते। अच्छा सर, खाना जो नहीं मांगा। आप कब जाकर देते वहाँ पर? सर मैं सुबह उठा, उसके बाद में हमने सोचा नहीं खुला होगा गेट, बाकी तो 11-12 बजे ऐसा गौर करा। फिर हमने आपस में चर्चा की आस पास में कि यार पुलिस थाने में सूचना देना चाहिए, तो शाम के 4 बजने हो गए। धीरे धीरे देखते देखते अब खुले गेट, अब खुले गेट, पर वो गेट कोई खोल ही नहीं रहा था। अचानक ऐसा गेट क्यों नहीं खुल रहा, इसलिए हमने आपस में चर्चा करके मोहल्ले वालों ने थाने को सूचना दी। अच्छा, वो तो सुबह नहा धो के निकल जाता है यार, तैयार होते कान का टप लगाने के लिए। और वो आज अपन ने देखा नहीं, अपन भी क्या सोचे लोग कुछ है। हाँ, क्या कारण क्या है बता सकते आप? तो कारण तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा हमको ऐसा, क्योंकि चलो देखते हैं। अच्छा, मुझे लगता है अपने को एस पी साहब को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ये जो केस है ना बहुत पेचीदा बन रहा है, क्योंकि इसे जल्दी सॉल्व करने के लिए उनकी हेल्प जरूरी होगी। मेरे पास कॉल आया पिछले हफ्ते ही, सर आए थे यहाँ पर दौरा करने के लिए, पता नहीं आज फिर आने का क्यों कह रहे हैं, कुछ ना कुछ रीजन हो सकता है। हो सकता है क्लाइंट केस के मामले में आ रहे हैं, हमें अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके रखना चाहिए। आएंगे अपन, क्लाइंट फाइल प्रस्तुत कर देंगे। एब्सोल्युटली राइट सर, चलिए अपन आइए 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 देखते हैं क्या बोलते हैं इसके सर। सर आपने वो रात्रि रिपोर्ट रेडी कर ली क्या? हाँ, ये मेरा पूरा हो चुका है। आज सुबह ही कंप्लीट करा मैंने जल्दी उसके। ओके, उनसे जो पूछना था वो हो भी चुका है? हाँ, वो भी कंप्लीट है। क्वेश्चन हाँ, सुबह मेरे पास कॉल आया था स्पीकर का, बोल रहे थे देखते हैं अब क्या होता है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सर का अचानक आने का क्या रीजन हो सकता है। वही कारण, ऊपर से प्रेशर आ रहा होगा, गंभीर विषय है। वैसे भी सर ने 3 लोगों का मर्डर हुआ है, तो केस तो वैसे ही बहुत बड़ा।
मालवी जी। यस सर। आपकी फाइनल रिपोर्ट क्या कहती है? सर फाइनल रिपोर्ट के अनुसार मुझे मालूम चला गया है सर कि जो तीन मर्डर हुए हैं उसकी वजह जरूर ना जरूर किसी तांत्रिक का सकता है सर। बट सर समस्या ये हो रही है सर कि इतनी बार पता करने बार भी पूछने पर भी वो मालूम नहीं चल रहा था। उस तांत्रिक के बारे में कोई जानता नहीं इतनी। कोई ऐसा आदमी या व्यक्ति जिसके बारे में जानकारी हो कि उस पान वाले का जो मर्डर हुआ उस तक पहुंचने के लिए हमें कोई रास्ता मिल जाए। सर एक बात और समझ में आ रही है सर। एक व्यक्ति जो देखा गया सर मेरे मुखुरी ने बताया था सर कि एक व्यक्ति है जो उस पान की दुकान पर डेली पान खाने आया था सर। बट सर इन मर्डरों के बाद में उसका कोई पता नहीं है सर। तो आपका कहना है कि जिस पान वाले का मर्डर हुआ है जी उसी की दुकान पर एक संदिग्ध व्यक्ति रोज पान खाने आता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर। लेकिन मर्डर होने के बाद उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। हाँ सर हो सकता है उसने मर्डर किया हो या पता नहीं जो भी रीज़न हो सर। धनवारे जी और आपकी फाइनल रिपोर्ट क्या कहती है? सर हमारी इन्वेस्टिगेशन के अनुसार सर फाइनल जो रिपोर्ट है उसमें ये नज़र आ रहा है कि सर इस रिपोर्ट के पीछे इस मर्डर के पीछे किसी तीसरे व्यक्ति का हाथ भी हो सकता है सर। और होना हो वो सर कोई बाहर का व्यक्ति हो क्योंकि उसके पीछे कोई क्लू नज़र नहीं आ रहा है सर। मतलब आप ये नहीं पता कर पाए हैं कि मर्डर किसने किया है? बिल्कुल सर क्योंकि सर कुछ भी चीज़ जो कड़ी में जोड़ने की कोशिश करता हूँ सर कहीं भी जा करके मिल नहीं पा रही है। मतलब मुजरिम कौन है ये जानना लगभग असंभव। आपके पास कोई क्लू सबूत जिससे कि हम अपराधियों तक पहुँच सकें? सर उसको कहना बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए। सारी फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है ना सर वो मैं आपको पहले ही पेश कर सकता हूँ कर चुका हूँ जी। और सर उसके अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। क्यों ना आप दोनों की रिपोर्ट को हम पूरा किए देते हैं। आप कैसे सर? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर आप कैसे कर पाओगे? आप जिस संदिग्ध व्यक्ति की बात कर रहे हैं मैं उसे जानता हूँ। आप पर आप कैसे जानते हो सर उसको? ये उन दिनों की बात है।
बात समझ में नहीं आ रही है कि उस संदिग्ध व्यक्ति का उन तांत्रिकों से क्या संबंध हो सकता है। संबंध है मालवी जी। क्या मालवी जी, जैसा कि आपने इस जगह का जो मुझे विजिट कराया था आज से एक हफ्ता पहले, पूरा इलाका उजड़ गया है, यहाँ पर कोई गतिविधि होती नहीं। सामान वाला डाल दिया है ताकि आपको मालूम न चले, क्योंकि यहाँ से कंटिन्यूसली काम चलता आ रहा है। यहाँ पर ऐसी जगह आप कहीं भी आना जाना पसंद करता नहीं है, देख सकते हैं सर। सर ये जो कैसे वास्तव में बहुत पेचीदा होते जा रहा है सर, इसमें सर फिर से मुझे लगता है एक बार आपको पूरी नज़र देखनी पड़ेगी सर। आपकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट क्या कहती है? सर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से लगता जरूर है कि सर जो लोग वहाँ पर तांत्रिक विद्या करते थे वो ना वो उसकी सिद्धि करने के लिए यहीं पर आते हैं सर। बट सबसे बड़ी बात बताऊँ सर आपको, यहाँ के स्थानीय लोगों को इसकी खबर तक नहीं सर। पता नहीं वो बताना नहीं चाहते हैं या फिर वास्तव में कुछ ज्ञान नहीं है उसका। जो तंत्र विद्या करते थे उनका आपको कुछ सबूत क्लू मिला है? हम उन तक कैसे पहुंचेंगे? सर जो सबूत और तंत्र विद्या की बात की जाए सर, तो सर यहाँ पर जो देखने का इलाका है ना सर, सुनसान है सर। सबसे बड़ी बात तो ये है यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, तो तंत्र विद्या होने की संभावना यहीं पे हो सकती है सर। क्योंकि आसपास के एरिए में मैंने छाना है सर, ऐसी कोई जगह लगती नहीं है जहाँ पर इतना स्पेस हो। यहाँ पर स्पेस भी है, कोई मना करने वाला भी नहीं है। लेकिन ये केस बहुत पेचीदा है, आपको इसे गंभीरता से लेना पड़ेगा। सर ये किया जा सकता है सर कि आप मुझे एक वीक का टाइम दो तो मैं सारी रिपोर्ट को दोबारा से स्टडी करूं और आपको कंप्लीट रिपोर्ट दूं सर। निशान जी सर, डेट नोट कीजिए आज की, एक सप्ताह बाद हम लोग फिर विजिट करेंगे यहाँ पे। और आपके साथ कौन है जो आपके सहयोगी है? राहुल जी है सर, कुछ चीज़ें मुझे राहुल जी से पता। थाना इंचार्ज? हाँ भाई, राहुल धनबार है। एग्जैक्टली सर, आपकी बात हुई? हाँ सर, हम लोगों ने साथ में कॉलोनी में जाकर इन्वेस्टिगेशन भी किया था, हम लोगों ने मिलकर बातचीत भी की थी और वहाँ के लोगों से पूछा भी था, बट होना हो सर वहाँ के लोग भी डरे हुए तो हैं। इंसान जो आपने रिपोर्ट लिखी है बताइए। जी हाँ सर। मालवीय जी, जो हमने हमारे लेवल पे जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार की है और आपकी रिपोर्ट इरशान, काफ़ी हद तक मिलती है। जी मिलती है सर। इस बारे में हमें कुछ और सबूतों की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल सर, मुझे लगता है जो करने वाले होंगे ना सर वो स्थानीय लोग ही हो सकते हैं सर। मेरी विचारधारा ये कह रही है जो सर ने रिपोर्ट बनाई उससे रिपोर्ट अपनी काफ़ी मिलती जुलती है। इस बारे में फिर हम आपसे मिलेंगे। जरूर सर, एक सप्ताह के बाद मैं फिर आऊँगा। बिल्कुल सर, मैं एक सप्ताह में सर दोबारा से केस को स्टडी करता हूँ सर और स्थानीय लोगों से और जानने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ये केस बहुत ही पेचीदा होने वाला। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने शहर के कई इलाकों में छानबीन की, तो मुझे एक बाबा का और स्थान मिला। क्या बात कर रहे हो सर? जहाँ पे मैं गया तो मुझे मालूम चला कि बच्चों ने पहला कदम वहीं से लिया था। भाई बहुत सारी अंगूठियां पहन रखी है, क्या कारण है भैया? बस ऊपर वाले का आशीर्वाद है यार, अगर ऐसा ही आशीर्वाद बना रहा तो बहुत ही जल्द मैं पुलिस का बड़ा अफसर बनूंगा। तो देखो ना इसके हाथ में कितनी अंगूठियां हैं। हां यार, पांच अंगूठी पहन रखी है, अलग अलग कलर की अंगूठी, सोने की, चांदी की, इसकी क्या पता कौन कौन सी अंगूठी पहन रखा है। हां और नौकरी भी लगती है यार एकदम से। यार मुझे तो ऐसा लगता है कि बाबा का चक्कर है उसका।
मुझे भी ऐसा ही लगता है भैया, पांच पांच अंगूठियां नहीं तो फोन फेरता है, तो नौकरी भी लग गई और बोलता है कि आप सब भी बंदे मोड़ो। हाँ वो तो अफसर बन के अपना क्या होगा, अपन यही तैयारी करते रह जाएंगे, तो बेरोजगार के बेरोजगार रहेगा यार, परेशान है घर से परेशान, यहाँ से परेशान, फीस की भरा नहीं रही है। अरे ना पेड़ को भी कुछ करना पड़ेगा यार, करना तो पड़ेगा यार। मैं एक बात बताऊं तो तू माने तो बात बताऊं ना, एक बाबा है मेरे नगर, वो कुछ ना कुछ समाधान निकालेगा अपना, शायद अब भी नौकरी लग जाए। चलो क्या सोच रहा, चले उसे किसी के पास। चलो चलो जानकारी सारे ने मालूम हो बाबा कहाँ रहता है। चलो काका जयराम, जयराम भैया जयराम, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? बाबा सुना है यहाँ कोई तांत्रिक रहता है। यहाँ कोई तांत्रिक नहीं रहता, तुम दोनों तो नई उम्र के लगते। बाबा हम बहुत परेशान है, हमें लगता है कि वही बाबा हमारी परेशानी दूर करेगा, और हमें पता चला है कि वो सभी की परेशानियां दूर करता है। कोई तांत्रिक बाबा है? नहीं बेटा, वो तांत्रिक नहीं है, वो अघूरी है, वो उसके पास जाता है, वो उसकी माया में फंस जाता है। तुम लोग चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। नहीं बाबा, हमारा दोस्त भी किसी तांत्रिक के पास गया था तो उसकी नौकरी लग गई है, और बड़ा अफसर भी बनने वाला है। वो नौकरी नहीं देगा बेटा, वो मुसीबत देगा, मुसीबत। जाओ यहाँ से। नहीं बाबा, हमें जाना है उसके पास। बाबा बाबा जाना है उसके पास, जाना ही पड़ेगा, हम बहुत परेशान है। चल इसकी क्या बात सुने यार, अपन चलते हैं यार, अपनी परेशानी है यार। जाओ किरण, यही कहीं होना चाहिए बाबा का स्थान। वो देखो किरण, मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, कहीं वही तो नहीं है बाबा? चलो चलकर देखते हैं। ये आवाज़ कैसी यार, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे मनीष, किरण, ये थिएटर कितना भयानक लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है मनीष। अरे मनीष भाग, मनीष किरण, किरण ये तो वही बाबा है, वही बाबा जो रास्ते मिले थे बाबा। हाँ वही बाबा है, वही वही बाबा। हम वो तांत्रिक के पास गए थे बाबा, वहाँ पे अजीब अजीब सी आवाज आ रही है और वो तांत्रिक उठ भी नहीं रहा है बाबा। वहाँ पर जो भी आता है जान हो गए, बहुत परेशान है बाबा। बाबा कुछ करो, कुछ उपाय बताओ बाबा।
जिससे हमारा काम हो जाए, हमारी भी नौकरी लग जाए। बाबा घर तुम लोग इतने जिद कर ही रहे हो तो मैं तुमको एक काम बताता हूँ। बताए बाबा, बताओ बाबा उपाय। हाँ बाबा बताइए बाबा, बताइए बाबा। लेकिन ये उपाय बहुत खतरनाक। हाँ बाबा हम बहुत सरल परेशान भी आज हमारा दिन। हाँ बाबा वो बाबा आज पूरी रात साधना में नहीं रहे। हाँ बाबा लेकिन उसकी साधना करते समय वहाँ पर उसके प्रेत जो आदि हुई है वो उसकी किताब की रक्षा करेंगे। हाँ बाबा किताब तुम्हें हासिल करनी है। हाँ बाबा किताब में से वो सब मंत्र सिद्धि करता है और हर प्रकार के उपाय करता है। हाँ बाबा में सारे उपाय हैं बाबा। लेकिन लेकिन इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। बाबा हम जान सब जान तैयार है, सब कुछ करने के लिए तैयार है बाबा। चाहिए बाबा हमको, हमें नौकरी चाहिए बाबा, हम कुछ भी कर सकते हैं बाबा। बहुत तो आज का दिन बहुत अच्छा है, तुम उस किताब को ला सकते हो लेकिन उसके जो पहरेदार हैं उनसे तुम्हें बचना है। हाँ बाबा हम पूरा ध्यान रखेंगे बाबा, पूरा ध्यान, कुछ भी करने को तैयार है बाबा। अब हमारी जीवन बेकार चल रहा है बाबा, हमें नौकरी चाहिए बाबा, हम जा रहे हैं बाबा। मनीष आज अपने को पुस्तक हासिल करके ही रहना है। अरे डर सा लग रहा है मुझे, बहुत डर लग रहा है। ये आवाज़ें चल बाबा के पास। अरे यही तो नहीं है वो पुस्तक मनीष? हाँ किरण मुझे भी लगता है यही पुस्तक है वो। मनीष मुझे यही पुस्तक लगती है वो। मुझे लगता है बाबा तपस्या कर रहे हैं मनीष, और वो बाबा 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 किरण में कहीं है पुस्तक उठाने से अपने कोई नुकसान तो नहीं होगा? आप तो को नुकसान भी होने से कह रहे हैं मनीष। तो पुस्तक उठा 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 मनीष, मनीष आवाज है मनीष, अभी चल रही है क्या? से कोई चला ही रहा है मनीष। किरण भाग, वो किरण भाग, कैसे हो रहा है किरण भाग, किरण भाग भाग। यही तो रखी थी मेरी माया पुस्तक, मेरे भूत मेरी पुस्तक, उसमें मेरी सारी माया शक्ति थी। नहीं छोड़ूंगा मैं, मेरे भूत भी नहीं दिख रहे एक भी। कहाँ गए सारा भूत? इसने छोड़ा तो नहीं ले गया? तू बता रहा है कहाँ गई मेरी माया पुस्तक? नहीं बताएगा? रुक जा अभी पता लगा लेता हूँ मैं। बर्बाद कर दूंगा। सर उन बाबा के पास से इन लोगों ने उसको चुरा कर ये लोग तांत्रिक तो बन गए, लेकिन लेकिन क्या मालूम जी? लेकिन ये है कि उस पुस्तक को पढ़कर इन लोग तांत्रिक बन गए, और तांत्रिक बनने के बाद में उन्होंने मर्डर किया, ये बात कैसे साबित की जाएगी सर? हमारे पास इस चीज़ की कोई सबूत भी तो नहीं है। सबूत तो मिटाए जा सकते हैं लेकिन गवाह नहीं। कौन है? ओ जी जी। हाँ भैया। आ जी जी अंदर आ जाओ जी जी। आ जाओ भैया। क्या लाए हो भैया? जी जी गरीब आदमी हूँ, बाल बच्चों के पेट भरने के लिए बेचता हूँ। अच्छा, ये गुलाब जामुन का पैकेट है आधा किलो का। और क्या है? ये मक्का पोहा, सादा पोहा। वैसे गुलाब जामुन का पैकेट दे दीजिए। बताइए कितने पैकेट है? 147 रुपए है, आप 120 रुपए दे दीजिए। हाँ ठीक है मैं पैसे लाती हूँ। अरे जी जी रुकिए जरा। पैसे रहने दीजिए, पैसे आपसे भी कैसे पैसे रहना आप? अरे नहीं भैया। अच्छा सुनिए, आप इस गुलाब जामुन के पैकेट के बदले में छोटी सी जान खरीदे। अच्छा बताइए। मैंने सुना है कि इस कॉलोनी में 3 मर्डर हुए, आपको कोई जानकारी?
कैसी फालतू बात कर रहे हैं भैया, आप तो आपका सामान बेचिए और घर जाइए। एक पैकेट और ले लीजिए नहीं भैया, एक पैकेट में कोई जानकारी देता है क्या? दो हो गए दीजिए, एक और ले लो दीजिए, तीन हो गए। हुई ना बात भैया, पूछो क्या बात है। मैंने सुना है कि जिस घर पर तीन मर्डर हुए हैं वहाँ पर पिछले तीन महीने से चोरियाँ हो रही थी, क्या इस चोर के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? अरे भैया, गांव में छोरा और शहर में ढिंढोरा, आपने भी कर दी ना यही बात। अरे जी समझ गया जी, हाँ। जी जी चलता हूँ। ठीक है भैया, जय राम। फिर क्या हुआ सर, कुछ पता चला? फिर वो हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं हो। क्या मूर्ख बालक, वो करने के लिए खून की नदियां बहानी पड़ेंगी। मगर मुझे माया चाहिए बाबा। तू क्या रक्त बलिदान दे पाएगा? जी बाबा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ बाबा माया के लिए। बाबा आप तो चमत्कारी हो, आपने तो बहुत बड़े कार्य किए हैं, तो ये आप इसको चूतिया बना रहे हो मतलब ना, वो माया के चक्कर में पड़ा वहाँ तक ठीक है, आप बहुत बाबा सुनिए मेरी बात। बोलो बालक। आज क्या होने वाला है, मैं नादान हूँ ठीक है, मुझे कुछ इस बारे में पता नहीं है, मेरे को आप समझाइए क्या होने वाला है आज चमत्कार, आपके द्वारा बताइए मेरे को। बालक तू ना जाने तो ही तेरे लिए भला है, पर तुझे एक बात बता देता हूँ, आज मुझे बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्त होगी और तुझे धन, और आज मैं इतने शक्तिशाली हो जाऊंगा, मेरे गुरु से भी गुरु, जो गुरु का भी गुरु होता है उससे भी यहाँ शक्तिशाली हो जाऊंगा मैं, आज वो हिमालय पे जाकर बैठा है, मैं स्वर्ग में जाकर बैठूंगा। ठीक है आप धन्यवाद, आप बहुत ही बड़े ज्ञानी पुरुष हो, मैं तेरा भी भला होगा, तेरा भी भला होगा। मेरे को क्या है, धन प्राप्ति चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए बस। ठीक है तू जा और अपना कार्य कर जो मैंने बताया है तुझे। हाँ जा। ठीक है बाबा मैं जाता हूँ। ठीक है बाबा की जय, जय बाबा, मैं जाता हूँ। पर सर ये चोरी की वारदात मुझे समझ में नहीं आई, इसका क्या संबंध हो सकता है? संबंध है मालवी जी। क्या ये पूरा खेल सोची समझी साजिश? साजिश वो कैसे सर? दंपत्ति के यहाँ से सोना गायब होना, हाँ रुपए गायब होना, ये किसी चोर का काम नहीं है। तो फिर किसका काम है सर ये? इसके पीछे एक पूरा का पूरा खेल है और एक सोची समझी साजिश। तो आप ये कहना चाहते हैं कि सर ये पूरी साजिश बनी हुई है जिसके प्री प्लान था? आप जानना चाहेंगे इस बारे में? जरूर सर बिल्कुल। अमित भाई। हाँ भाई। अरे यार मैं बहुत दिनों से सोच रहा था यार कि मैं तुम्हें बताऊं कि नहीं बताऊं, कुछ दिनों से मेरे घर में चोरियां हो रही हैं। तुम्हारे गुम हुए थे? जी बाबा। घर फोन लगाइए। जी बाबा। अपनी पत्नी से संपर्क कीजिए।
अपने घर की पूर्व दिशा। जी बाबा। जो जेवर छुपाए गए थे हाँ वो वहीं मिलेंगे। जी बाबा। संपर्क करिए अपनी पत्नी से। जी बाबा बिल्कुल करता हूँ बाबा। बालक। हाँ बाबा। मुझे आवाज हो रहा है तुम्हारे घर में माया है। अपराधी हमारी गिरफ्त में ही है।